हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल वाई एसपी सर पे। आज हम लोग जो है सुने होंगे एग्जाम अलर्ट के नाम से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो संभावित एग्जाम है उसके पहले जो है जो नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी जो है एग्जाम अलर्ट में देखिएगा एसएससी का एग्जाम का डेट जो है चेंज हो गया है। सब एग्जाम जो है लगभग एक एक महीना जो है आगे बढ़ गया है और उसका रिवाइज शेड्यूल जो है जारी किया गया है। एसएससी आप जानते हैं कि सीएचएसएल का एग्जाम लेता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम लेता है, फिर सीजीएल का एग्जाम, फिर सीपीओ का एग्जाम, फिर स्टेनोग्राफर का, फिर जूनियर इंजीनियर का और कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का। ये सब एग्जाम का रीशेड्यूलिंग कर दिया गया है। तो हम लोग एग्जाम को नए डेट के हिसाब से देखेंगे और प्लस जो है आपको भी ये नॉलेज होना चाहिए जो लोग नए स्टूडेंट हैं कि उनको कौन कौन सा एग्जाम एसएससी लेता है और आने वाले समय में किसका किसका नोटिफिकेशन आ सकता है और फिर उस एग्जाम का आप अभी से तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिएगा सीएचएसएल कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, उसका टायर वन एग्जाम जो है 2019 का, मतलब 2020 का भी वैकेंसी नहीं आया, 2019 का फॉर लेफ्ट आउट कैंडिडेट। मतलब देखिए कि मार्च में एग्जाम शुरू हो गया था और मार्च में 5-6 सीटिंग हुआ था, तब तक जो है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो लॉकडाउन के बाद से जो है देखिएगा कि इसका एग्जाम होगा नहीं, तो जो केवल लेफ्ट आउट स्टूडेंट है उन्हीं के लिए, जिनका एग्जाम हो गया है उनके लिए नहीं। तो जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स, तो इनका जो एग्जाम है 12 अक्टूबर से दिख रहा है आपको कि 12 अक्टूबर से शुरू होगा, फिर 16 अक्टूबर तक चलेगा, फिर जो है 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा और लास्टली फाइनली जो है 26 अक्टूबर 2020 को ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा टायर वन। तो सीएचएसएल हायर सेकेंडरी लेवल ये इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम होता है, इसका 2020 का नोटिफिकेशन आएगा। तो जो नए कैंडिडेट है वो अपना तैयारी जारी रखिए, फिर 2021 में सबका एग्जाम होगा, ये हो गया। फिर सीजीएल सुना होंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, तो उसका टायर वन का एग्जाम हो गया था, रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। अब इसका टायर टू का एग्जाम जो है पहले होने वाला था उससे 20-22 दिन आगे बढ़ गया है, तो अब ये होगा 2 नवंबर से होगा, 2 नवंबर से 5 नवंबर 2020 के बीच होगा, मतलब 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में होगा सीजीएल टायर टू का एग्जाम। फिर उसी तरह से सीपीओ सुने होंगे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस एंड सीआरपीएफ का पेपर वन का एग्जाम जो है 2020 का, देखिएगा पुलिस वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत मतलब समय से एग्जाम होते रहता है, क्योंकि उसमें जो है पुलिस कांस्टेबल सबका जरूरत बहुत है। तो देखिएगा 2020 का पेपर जो है आपको 23 नवंबर 2020 से शुरू होकर 26 नवंबर 2020 तक चलेगा, तो ये आपका सीपीओ का एग्जाम होंगे। फिर स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो एग्जाम 2019 का है वो 16 नवंबर 2020 से 18 नवंबर 2020 के बीच होगा, 16 से 18 नवंबर देख लीजिएगा। और फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है, कांस्टेबल जो है हवलदार पुलिस में जो सिपाही में भर्ती होता है उसका 2020, देखिएगा कि ये लोग का एग्जाम एकदम शेड्यूल से होते रहता है क्योंकि पुलिस में जो है लोगों की जरूरत बहुत है। तो अब इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे, तो सोचिए भरे हैं तो ये 27 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चला, फिर 1 दिसंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चला, फिर 7 दिसंबर से शुरू होकर के 11 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा, मतलब 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा, तो इसमें भी बहुत एप्लीकेंट होते हैं। फिर उसके बाद से जूनियर इंजीनियर सुने होंगे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और क्वालिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम का पेपर वन 2019 का 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। तो इस तरह से ये सब एग्जाम को जो है रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया है, तो इसको आप एसएससी के वेबसाइट पे भी जाकर के इसको आप चेक कर सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इस तरह का मैं एग्जाम अलर्ट लाते रहता हूं, तो ये सब 2020 के लिए जो सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस वगैरह का नोटिफिकेशन आने वाला है तो वो सब आएगा, तो उसका भी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए ताकि सबको सूचना मिल जाए कि एसएससी का जो नया जो रिवाइज शेड्यूल है वो क्या है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।